Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing really really great and welcome to a new video. In this video we are going to talk about a topic that I have been asked a lot of times since my result reaction. What was the strategy that I implemented? What were the certain things that I adopted as a new habit that helped me pass my CA intermediate exams? So for those who don't know, I have cleared my CA intermediate group 1 exams recently in the November attempt, and this video is going to be on the topic like what is the basically strategy that I followed that helped me clearing the exams. So without any further ado, let's get into the video. First of all, I'll clear this. There was no such strategy to clear the exams ki proper ek strategy hai ki ye aise se kiya to ho gaya. Being very honest, there were certain points, 7 to 8 points, jinko maine ekdam constant basis pe aur disciplined way mein ekdam follow kiya throughout my preparation time, jo 4 se 5 mahine ka tha. July mein results aaye the, November mein exams se, and July mein mera aggregate ki wajah se nahi hua tha. Tab se lekar November ke exams tak ki 7 ya 8 points the, maine ye points लिख भी रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, जो मैंने एकदम अच्छे से एकदम रिलीजियसली फॉलो किए, एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि इन पॉइंट्स की वजह से ही वो रिजल्ट आया था, एंड दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंट स्टडीज एंड बींग डिसिप्लिन्ड. सी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपनी ज्वाइन कर रही थी लाइब्रेरी जुलाई में ही. जुलाई से लेकर नवंबर तक मैं रेगुलरली लाइब्रेरी जाती थी, मतलब हफ्ते में जैसे 7 में से मिनिमम 5 दिन तो मेरे को जाना ही होता था. तो मैं इतने डिसिप्लिन वे में जाया करती थी कि सुबह सुबह उठ के नो मैटर व्हाट कितनी भी नींद आ रही हो, बिकॉज मैं ऐसी लड़की थी पहले एग्ज़ाम में रिजल्ट्स के पहले जो रात में सोती बहुत लेट थी और सुबह बहुत लेट उठती थी. तो सबसे पहले मैंने अपनी ये हैबिट चेंज करी, मैं सुबह जल्दी उठने लगी, मैंने प्रॉपर अपना ये रूटीन बना लिया कि मेरे को लाइब्रेरी जाके पढ़ना है. ये 4 से 5 महीने ना मैंने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बिताए हैं. घर आके पढ़ना, रात में भी सोने से पहले कम से कम 1-2 घंटे पढ़ना, तो ये 4 से 5 महीने मेरे ऐसे थे. इट वॉज़ लाइक कि तनु अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ ना तो जेन्युइनली मेरा दिल टूट जाएगा. इतनी मेहनत मुझे करनी है कि नो मैटर वॉट इस बार तो क्लियर हो ही जाए. तो आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद बुक्स इन माई रूम्स फॉर दीज मंथ्स. सो कंसिस्टेंट स्टडीज एंड डिसिप्लिन. द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रॉपर प्लानिंग. मैंने प्रॉपरली प्लान कर लिया था कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स कब तक एक बार ही रिवाइज कर लेने हैं, उसके बाद मैं कब अपनी सेकेंड रिविजन स्टार्ट करूँगी. या फिर प्लान में आप ये भी कह सकते हो कि रोज़ के टारगेट्स मैं सेट करती थी. दिन में उठ के लाइब्रेरी पहुँच के मैं प्रॉपर 10 से 15 मिनट सोच के कि आज क्या क्या करना है, एंड वेरी रियलिस्टिक गोल्स जो एक दिन में कर पाऊँ. ये नहीं कि एक दिन में 4 चैप्टर उसके, 4 चैप्टर उस सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं, बहुत रियलिस्टिक गोल्स जो हो पाएँ. तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी थी. थर्ड पॉइंट विच हेल्प मी इज़ कि स्टिकिंग टू वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट. पहले मैं करती थी सारे टीचर्स की वीडियोज़ देख लेती थी, सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएं और फिर क्वेश्चंस करती थी, इससे मैं कंफ्यूज़ हो जाती थी. तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए ना एक टीचर फिक्स कर लिया. लाइक अकाउंट्स के लिए मैं सिर्फ जिंदल सर की वीडियोज़, चाहे उनकी क्लास वीडियोज़ हों या रिविजन वीडियोज़ हो, सिर्फ वो देखती थी. लॉ के लिए मैं सिर्फ शुभम सर की रिविजन वीडियोज़ देखती थी. कॉस्टिंग के लिए मैं सिर्फ प्रणव पोपट सर की रिविजन वीडियोज़ देखती थी. और टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए सिर्फ बीबी सर को रेफर करती थी, और जीएसटी के लिए जसमीत सर को करती थी प्रेफर. जीएसटी में कभी कभी निशांत सर का भी देख लेती थी, लेकिन इनके अलावा मैं और किसी टीचर्स का नहीं देखती थी, बिकॉज मैंने बहुत माइंड में सेट कर लिया कि इन्हीं टीचर्स से सब कुछ पढ़ना है, इन्हीं टीचर्स से सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, तो इन्हीं टीचर्स पर स्टिक करना है. अनदर पॉइंट इज़ नोट मेकिंग. मैंने प्रॉपर एक एक चैप्टर के नोट्स बनाए बैठ के कि लास्ट 1.5 डे में मैं अपने रजिस्टर्स या क्लास रजिस्टर्स दोबारा खोल के नहीं देख सकती. मैं सिर्फ उन्हीं नोट्स से बार बार रिवाइज करती थी. एक बार नोट्स बना लिए, जब उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है ना, सिर्फ उन्हीं नोट्स में से पढ़ती थी सिर्फ, और कहीं से कुछ रेफर नहीं करती थी. उसके बाद में मैंने जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, कॉस्टिंग या टैक्स के क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, ताकि जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ना, उतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसी के हिसाब से मेरी स्पीड भी बहुत बढ़ेगी एग्जाम्स के लिए. बिकॉज मई में क्या हुआ था, मेरे अकाउंट्स के पेपर में मेरा पेपर बहुत सारा छूट गया था, बिकॉज मैं एक ही क्वेश्चन पे इतने टाइम तक लगी रही थी. तो दैट फैक्टर वॉज इन माई माइंड कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत बढ़ जाए, जिसकी वजह से मैं पेपर में बहुत सारे मार्क्स फेच कर सकूँ. फिर MCQ पेपर्स जो होते थे लॉ और टैक्स उस टाइम पे, उसके लिए मैं पहले सोचती थी कहाँ से MCQs करूँ. तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं सिर्फ ICI मैट को थॉरली लाइन बाय लाइन रीड करूँगी. मुझे पता है लॉ के लिए ICI का मैट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं उसको कसम से
एक एक लाइन को रीड करती थी बिकॉज मुझे पता है एमसीक्यू वहीं से बन के आने हैं और किसी भी एक लाइन से एमसीक्यू आ जाएगा. तो जेन्युइनली मैंने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आईसीएम मैट को एक एक लाइन से रीड किया था. के बाद में जो एक लास्ट पॉइंट था कि रिव्यू योर स्टडीज़ पीरियोडिकली. ये नहीं कि मैंने अगर 5 महीने का स्टडी पीरियड है, 5 महीने के लिए प्रिपरेशन टाइम मिला है, स्टार्टिंग में एक टारगेट बना लिया कि ऐसे ऐसे करना है और बस चलती गई उसकी, मतलब बना के बस छोड़ दिया और अपना पढ़ते गए. नहीं, मैं क्या करती थी, हर एक हफ्ते के बाद ना देखती थी कि जितना मैंने प्लान बनाया उसमें से कितना हो गया, अच्छा ये बचा है क्यों, मतलब कितना बैकलॉग हो रहा है, कैसे कैसे उसको कवर करना है. बिकॉज अगर हम पीछे का नहीं देखेंगे ना तो हम तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ना टारगेट भूल जाएंगे. तो हम बस पढ़ रहे होंगे, हमको पता है हम पढ़ रहे हैं बट क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें याद नहीं रहता. तो हमको उस चीज़ को रिव्यू करना है कि हमने कितना पढ़ लिया और हमें कितने टाइम के लिए कितने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं और आगे हमें कैसे बढ़ना है. लाइक अगर ज़्यादा बैकलॉग्स हो रहे हैं तो दोबारा एक टाइम टेबल फॉर्म कर लो. मेरे साथ बीच में ऐसे हुआ था कि मेरे से हो नहीं पा रहा था सारा कुछ जैसे मैंने प्लान किया था, तो मैंने दोबारा बैठ के पूरा प्लान बनाया था. तो रिव्यू आपको अपनी स्टडीज़ को मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहना है. तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स. ये पॉइंट्स मैंने सच में कॉन्स्टेंटली फॉलो किए थे इन 4 से 5 महीने के लिए. एंड आई जेन्युइनली बिलीव अगर आप भी इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको खुद अपनी प्रिपरेशन में एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा कि हाँ दीज पॉइंट्स एक्चुअली हेल्प. बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ दीज पॉइंट्स. वेन आई सॉ द वर्ड पास ना आई वॉज लाइक येस, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये मेरी मेहनत इस बार रंग लाई. एंड आई वॉज वेटिंग मतलब रिजल्ट के बाद से कि मैं कब ये वीडियो बनाऊँगी. और मैंने ये पॉइंट्स आज नहीं, मैंने 3-4 दिन पहले लिख लिए थे जो जो मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं क्या करती थी, सो दैट आई डू नॉट मिस ऑन एनी पॉइंट एंड आई हैव जेन्युइनली शेयर्ड द पॉइंट्स. सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल लगे आपको या नहीं. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट येट. एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना ध्यान रखो. ओके, बाय.